उनके आने से वो हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो आ जाएं तो सृष्टि की मानवता का इतना भला करेंगे, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी, उन्हें सारा कुछ उन्हें पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सर। आज जेपी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, यहां पर काफ़ी डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स आए हुए हैं। जानते हैं आखिर ये लोग क्यों आए हुए हैं, इतनी पैंडमिक सिचुएशन है फिर भी यहाँ पर लोग क्यों आए हैं और डॉक्टर्स की टीम भी आई है, आखिर क्यों आई है। नमस्कार सर। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। क्या नाम है सर आपका? शीशपाल इंसा, शीशपाल भाटी गुजर। सर क्या करने आए हो आप आज? आज हम फल वितरण करने आए हैं जी। सर यहाँ पर मतलब फल बांटने आए हो, किसको बांटने आए हो आखिर? ये जो कोरोना वॉरियर्स है, यानी कि कोरोना काल में जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कोरोना मरीजों के लिए, वो चाहे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है, तो उनके लिए हमारे गुरुजी ने बोला है कि भाई उन्हें सम्मानित करना है, उनको सैल्यूट भी करना है, तो उनके लिए आए हैं जी। सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सैल्यूट करना, आप लोगों को डर नहीं लगता लोग, क्योंकि दूसरी लहर जो चली है वो पहली लहर से भी खतरनाक है, आखिर किसके कहने पर आए हैं आप लोग? अपने गुरु के कहने पर आए हैं। और सच पूछो तो ये 29 तारीख में पिछले महीने वचन आए थे गुरु जी के, और तभी से हमारे भाई साथी बच्चे सारे बहनें भी पीछे फ्रूट्स की वो पैकिंग में साथ देती हैं, और उन्हें अभी तक किसी को जुखाम नहीं है, जबकि कोरोना वार्ड में अंदर जा के भी सेवा की है, यथार्थ में की है, जेपी में आई हैं और भी ग्रेटर नोएडा में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जा के सेवा दी है। सर आप लोग किस संत जी के कहने पे आए हैं, क्या लगता है आप? मगर संत जी को आना चाहिए ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में, कुछ हो सकता है उनके आने से? उनके आने से, उनके वचन से देख रहे हो आप क्या हो रहा है, उनके वचन से अगर वो आए तो जवाब नहीं रह जाएगा। माता बहनों, बेटा तुम हमारे बच्चे हो, उम्र में बहुत छोटे हो, उनके आने से वो हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो आ जाएं तो सृष्टि की मानवता का इतना भला करेंगे, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी, उन्हें सारा कुछ उन्हें पता है, सब कुछ जानते हैं कि ब्रह्मांड में क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानकार हैं। तो सर आज मतलब आप लोग इन सबको फल वितरण करने वाले हैं और मतलब सभी सहयोग दे रहे हैं इस काम में, और मतलब जैसे कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में ध्यान रखा हुआ है आप लोगों ने? बिल्कुल, सारे ग्लिप्स हैं, मास्क हैं, हम अपनी वर्दी में आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ज़्यादातर पालन करते हैं, ये तो हॉस्पिटल वालों की अपनी वो है थिंक है कि वो किस तरीका से करेंगे जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? गुरु जी के लिए आप बताओ क्या पूछना चाहते हो? सर मतलब संसार को, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहोगे गुरु जी के लिए, कि जैसा भी उनके बारे में दिखाया गया इस कोरोना काल में कितनी ज़रूरत है लोगों को? देखो बेटा, हम गुजर समाज से हैं, हम में सारे ऐब थे, सारे जितने भी, हम अपनी औरतों की इज्जत नहीं करते थे, बहन बेटी की इज्जत नहीं करते थे, बच्चों से अच्छी बात नहीं करते थे, सारी कुछ हम जैसे जानवरों को उन्होंने सिखाया है, हम जैसे पशु भी इंसान बना दिए, इससे क्या और बड़ी बात आप सुनना चाहोगे जी? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर पैंडेमिक सिचुएशन में आए हैं, ये डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं जिन्हें कि संत जी के गुंडे बताया जा रहा था, मगर आज उसके विपरीत काम करते हुए और हमेशा विपरीत काम करते हुए दिखते हैं समाज भलाई के कार्य। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।